लीजिए इस समय टॉस होने जा रहा है 30+ जूनियर वेटर्स ए बनाम जूनियर वेटर्स बी के बीच। देखते हैं टॉस का सिक्का किस तरफ घूमता है, के क्या बुसरिया इस समय। और हेड यहाँ पे कॉल और फारूक जी यहाँ पे हमेशा की तरह टॉस के क्या बुसरिया ने जीता और बैट फर्स्ट इसी के साथ। तो टॉस जीत कर आपने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है, कितना स्कोर चाहेंगे आप इस पिच पे? 25 और हम कम से कम 300 का मान के चल रहे हैं अपने हिसाब से। जिस प्रकार से अजय जी ने यहाँ सुबह प्रातः 4 बजे उठकर पिच को तैयार किया है इतनी कड़ाके की गर्मी, और आप मैदान में उतर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अजय जी की मेहनत और इस अग्नि परीक्षा के सामने एक ऐसा मैच जो कि बहुत कम देखने को मिलता? अजय जी की मेहनत को सलाम है तहे दिल से, क्योंकि उन्होंने इतनी कड़ी धूप में और जिन्होंने हमें सीनियर्स को बुलाकर और हमारा सम्मान किया प्लस खेलने का मौका दिया। आपको क्या लगता है गेंदबाजों के लिए किस प्रकार से मदद करेगा पिच? पिच में देखने पे लगता है कि दोनों साइड चलेगा, बॉलिंग में भी रहेगा बैटिंग में भी रहेगा। हल्का घास भी नजर आ रहा है, यहाँ पर शुरुआती ओवर्स में कुछ संभावनाएं हैं गेंदबाज के लिए कि वो कुछ अच्छा कर दे, और बाकी आफ्टर पावर प्ले मैं मानता हूँ कि अच्छे शॉट देखने को मिलेंगे और एक अच्छा स्कोर होगा। विपक्षी टीम को आप कितने पे रोकना चाहेंगे? विपक्षी टीम को तो हम हमारे टारगेट से पहले रोकना चाहेंगे कि हमारा 300 को 250 के आसपास फिनिश कर देंगे। कुल मिलाकर 48 डिग्री के आसपास तापमान है, तो उसका प्रभाव आपके खिलाड़ियों पे नहीं है? तापमान का देखो, जब ग्राउंड में आते हैं तो तापमान का तो कोई इश्यू नहीं होता, जब खेलने उतर जाते हैं तो ग्राउंड में आने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे अपन बहुत अच्छे एक माहौल में खेल रहे हैं। लगभग हम सीनियर्स या रेगुलर हैं तो इस वजह से गर्मी का ज्यादा असर नहीं होगा हमारे खिलाड़ियों पर। अजय जी और जीवीएम एकेडमी के लिए आपके क्या शब्द हैं? अजय जी ने वाकई एक आज बहुत अच्छा इवेंट रखा कि जिसमें काफ़ी ऐसे सारे सीनियर प्लेयर थे जो अपने कम से कम 15 से 20 साल तक क्रिकेट छोड़ चुके हैं, आज उन सबको एक जगह इकट्ठा करके एक बहुत अच्छा एग्जांपल रखा है जूनियर्स बच्चों के सामने, और वो आज अपना एक पुराना अनुभव वो सबसे शेयर करेंगे। कहने का मतलब बहुत अच्छा स्टेप है ये, क्रिकेट आज भी जिंदा है यहाँ पे। बिल्कुल, झुंझुनू में क्रिकेट आज बेहतर तरीके से जिंदा है, कहीं ना कहीं लगता है कि आईपीएल से बेहतर यहाँ मैच खेले जाते हैं। बिल्कुल मजा आएगा आपको देखने, बहुत अच्छा लगेगा कि इसको और आगे डेवलप करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। जो मैच हुआ सीनियर वन ने 30 ओवर में 314 रन मारे, उसके जवाब में सीनियर टू ने 303 रन बनाए, काफी अच्छा रन रहा उनका, लेकिन 11 रन से चूक गए जिससे 11 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच के जो बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड जाता है वो जाता है इमरान अली टाक, जिन्होंने ताबड़तोड़ उन्हें करना 66 रन का योगदान दिया। वेल प्लेड इमरान अली टाक। इमरान जी और फारूक जी और मनोज जी दोनों कैप्टन आ जाएंगे। 65 साल की उम्र में ये बेहतरीन पारी यादगार रही। 25 बॉलों में 66 रन, 25 बॉल से 66 रन, इमरान हाशमी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया आज इन्होंने। Collect the trophy, the best player of the today's match. What a moment! Remarkable. Well played. Well played, Imran ji. और बॉलर का अवार्ड जाता है वो जाता है वीरेंद्र जी लामोरिया, जिन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग की, 3 ओवर 29 रन देकर 3 विकेट। उमेश जी आए प्लीज, वेरी वेल बॉल। हरीश जी आए और बेस्ट गेंदबाज आज के इस मैच में वीरेंद्र जी लामोरिया। कलेक्ट द ट्रॉफी वीरेंद्र जी लामोरिया, बेस्ट बॉलर टुडेज, कांग्रेचुलेशंस। पीछा कर रही थी सीनियर्स टू, उस काफी पहले मैच खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन जो ट्विस्ट आया बीच मैच में वो आया था फील्डिंग की वजह से। एक फील्डर थे जिन्होंने काफी दमखम से फील्डिंग की, और बेस्ट बॉलर का जो अवार्ड जाता है वो जाता है मिस्टर अरविंद जी, बेस्ट फील्डर। बेस्ट फील्डिंग का पुरस्कार आज इनके नाम। बेस्ट ऑफ लक।
वेल आउटस्टैंडिंग फील्डिंग। गोटेड अवार्ड मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड जाता है वो जाता है मिस्टर मनोज, एक हैट्रिक के साथ इन्होंने चार विकेट पलट दिया। बहुत अच्छी बेहतरीन बोलिंग के साथ मनोज जी। भाई जी, मनोज जी क्या गजब की गेंदबाजी की थी मनोज जी ने। अटूट जो बड़ी साझेदारी थी उसको तोड़ते हुए हैट्रिक बनाई, कुल चार विकेट लेते हुए टीम को वापसी कराई और मैच में शानदार जीत दिलाई। कॉन्ग्रेचुलेशन मनोज जी, एक्सीलेंट प्लेयर ऑफ द मैच। तपती धूप में सबको इनवाइट किया, सबके लिए मुश्किल कड़ी थी क्योंकि सब एसी में रहते हैं और वर्किंग है मोस्टली। तो ये मैच खेल के कैसा लगा आपको? भाई ये मैच खेल के वास्तव में मेरे को और शायद मैं आशा करता हूँ सभी को एक अच्छी फीलिंग आई होगी कि ऐसा आयोजन है साल में कम से कम एक बार होना चाहिए सीनियर्स के लिए। और काफ़ी अच्छा मैच हुआ, दोनों तरफ से खिलाड़ियों ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग भी की, बैटिंग भी की और फील्डिंग, विशेष तरह से फील्डिंग की भी अच्छी रही और बहुत ही अच्छा शानदार मैच हुआ। और सभी को आने को ग्राउंड पे पहुंचने के लिए धन्यवाद। जैसे जैसे ये पीछा कर रही थी सीनियर्स टू, काफ़ी रन मार दिए थे इन्होंने, आई थिंक 6 ओवर में 100 से प्लस हो गए थे। उसके बाद जैसे आप बॉलिंग पे आए तो क्या क्या सोच के आए थे कि हैट्रिक लेनी है या फिर दबाव बनाना है, क्या मन में चल रहा था? मेरे मन में यही चल रहा था कि अब ग्राउंड पे जाके अपन रिस्क लें और वो रिस्क मैंने ली और वो कामयाब रही। आपने बेसिकली जुआ खेला, जुआ बादशाह इक्के सारे धर दिए और वो आपके फेवर में गए। वेरी वेल प्लेड मनोज जी, वेरी वेल, थैंक यू जी। आए जी रनर अप टीम कैप्टन फारूक जी, एक बार आप प्लीज अगर आप आपकी जो टीम हो जाए तो बढ़िया, पूरी टीम आ जाओ सब प्लीज। उमेश जी प्लीज एक बार रनर अप टीम, एक यादगार लम्हा साबित करने के लिए, संजोने के लिए एक प्रतीक चिन्ह मोमेंटो यहां दिया जा रहा है इस समय। टीम कैप्टन फारूक जी जो कि बेहतरीन आज अच्छा खेल खेला, हर क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन है। अनफॉर्चुनेटली 11 रन से हार झेलनी पड़ी लेकिन गजब का खेल खेला इस पूरी टीम ने। वेल प्लेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द नेक्स्ट सीरीज। आपकी टीम ने बहुत अच्छा खेला, हार्ड लक रहा, 11 रन चूक गए, क्या कमी रह गई थी मैच में? कमी हमारे 3 विकेट बीच में जल्दी चले गए थे, जो हैट्रिक के 3 विकेट गए थे उनके अच्छे बैट्समैन थे, अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए इस वजह से। बट वो जो 3 विकेट गए थे वो एक एक्सपीरियंस बॉलर थे जिन्होंने लिए, आई थिंक आपके बैट्समैन थोड़ा जल्दी कर गए। परवेज मोस्ट एक्सपीरियंस, जिस पे आपको चांस था कि वो खेलेंगे लंबा तो जीत सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली दिन दिन की बात होती है। बाकी आप बताएं कि आपने जो इनिंग खेली उसमें बिल्ड किया इनिंग, वो कैसे आप कर लेते हैं इस उम्र में? जैसे मनोज जी कह रहे थे ना कि जुआ खेला, मैं जुआ नहीं खेलना चाह रहा था, इसलिए आपने अपना टैलेंट खेला और आप जैसे गेम खेलते हैं वही खेला और वेरी वेल प्लेड, बहुत अच्छा तो छक्का लगाया। और आपको ये मैच को लेके क्या कहेंगे कि ये जो सीनियर्स को बुलाया गया, आगे के लिए क्या संदेश देंगे? जीवन अकेडमी ने और अजय जी ने बहुत ही शानदार ऑर्गेनाइजेशन किया, मैच ऑर्गेनाइज किया और इसके लिए मैं अजय जी का और जीवन अकेडमी का आभार प्रकट करता हूँ और इनको धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत ही शानदार मैच किया। और बहुत बरसों बाद में कुछ खिलाड़ी ऐसे थे कि जो आपस में मिले, गेट टुगेदर हुए और बहुत अच्छा लगा। आगे के लिए क्या फीडबैक देंगे, जैसे आज एक मैच हुआ, आगे के लिए कुछ सीरीज हो या फिर प्लेयरों को और कैसे जोड़ा जाए? ये जो प्लेयर्स आए हैं ये मैं इनसे सभी से निवेदन करूँगा कि वो जो सैटरडे संडे इस अकेडमी में मैचेज होते हैं तो जो खेलना चाहते हैं वो कृपया इससे जुड़े और अपनी फिटनेस भी बढ़ाए, साथ में एंजॉय भी करें। थैंक यू सो मच फारूक जी, थैंक यू सो मच। विनिंग टीम के कैप हीरो ऑफ द टुडेज मैच
और ये देखे विशाल काय, अंशुमान विनिंग टीम इस वक्त चैंपियन जीएम क्रिकेट एकेडमी से इसमें आप देख पा रहे हैं, जो कि 11 रन से बेहद रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज की। मैच के हीरो रहे मनोज जी और इमरान खान जी, इसके अलावा आसिफ अगवान जी भी छाए रहे, और वहीं उमेश जी ने भी 20 गेंदों में अर्धशतक लगाया। कांग्रेचुलेशंस व्हाट ए मोमेंट, वेल प्लेड, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट मैच। तो जो आज का मैच रखा, इसका आइडिया जो आपने कैसे लिया, इतनी गर्मी थी उसके बावजूद इसको इतनी आसानी से आपने सफल बनाया कि ऐसा लगा ही नहीं कि टेम्परेचर 47-48 के आसपास है। देखिए, मेरे को पूरा विश्वास था कि झुंझुनू के जो क्रिकेटर्स हैं उनमें एक ललक है, और वो ललक के थ्रू मुझे विश्वास हुआ कि वो सारे क्रिकेटर्स 100% यहाँ आने वाले हैं और खेलने वाले हैं। और जैसा कि आपने देखा कि भारी मात्रा में यहाँ पे सारे क्रिकेटर्स आए और उन्होंने बहुत इंजॉय किया और बहुत ही शानदार मैच हुआ, और मैं सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ पे आप आए जीवन परिवार में और खूब खूब आपने इंजॉय किया और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और रही बात गर्मी की, तो ये जो आप लोग आए इसमें सारी गर्मी एकदम दूर हो गई एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज के दिन किसी खेलने वाले खिलाड़ी को ऐसा एहसास हुआ कि गर्मी हो। जीवीएम क्रिकेट एकेडमी से आप लंबे समय से जुड़े हुए, फिलहाल खिलाड़ियों का और युवाओं का क्या रुझान है एकेडमी को लेकर? देखिए, बहुत ही शानदार रुझान है, सारे काफ़ी मात्रा में बच्चे हैं यहाँ पे। मेरे पास तकरीबन 85 रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, जिसमें सीनियर्स खिलाड़ी भी हैं, और काफ़ी मात्रा में ये आप देखते हो सीनियर्स के मैचेस भी होते रहते हैं यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ पे। और मैं सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त करूँगा हमारे दिलीप मोदी सर, चेयरमैन सर जी, जिनकी बदौलत ये पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं मुझे, बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जिसके चलते मैं हमेशा तैयार रहता हूँ अच्छे से अच्छा करने के लिए। भविष्य में इस अकेडमी को कहाँ देखना चाहेंगे? बिल्कुल पूरे प्रयास हैं कि बहुत सारे कुछ अच्छे प्लेयर यहाँ से निकले और इंडिया के लिए खेले। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक अजय जी। थैंक यू। सिर्फ 7 के अंडर चाहिए थे, उसके बाद आपने कमबैक किया टीम के लिए, आपने बॉलिंग कराई, आपने ही बॉलिंग कराई और काफ़ी जगह उन्होंने बॉलिंग करा के, और एकदम से जहां 7 की गेंदें चाहिए थी और 14 की गेंदें चल रही थी, एकदम से मैच में वापस आए और 11 से मैच जीता, क्या कहना चाहेंगे कि आपसे क्या स्ट्रेटजी रही थी आपकी कि आप मैच में? जो फर्स्ट हाफ था उनकी टीम ने काफ़ी अच्छा खेला, पावर प्ले काफ़ी अच्छा यूज़ किया, उमेश जी ने काफ़ी अच्छी इनिंग बिल्ड की। जैसे ही हमें लगा कि मैच हमारे हाथ से जा रहा है, तो हमें ना गेट टुगेदर एक साथ हमने डिसीजन लिए, कुछ स्ट्रेटजी बनाई। उस स्ट्रेटजी में यही डिसाइड किया गया है कि जो बॉलर डॉट बॉलों पे ज़्यादा फोकस रखेगा उन्हीं को हम ज़्यादा ओवर देंगे। तो वहाँ से मनोज जी आए, हमने इमरान जी को ट्राई किया, उन्होंने भी अच्छी बॉल डाली, जो लाइन लेंथ उन्होंने पकड़ी ना, वो जो जैसे कैप्टन की रिक्वायरमेंट थी उसी पे उन्होंने काम किया। और फील्डरों को खासकर सलाह दी गई कि भाई बहुत हो गया, थोड़ी मिसफील्डिंग भी हुई, एज ए सीनियर प्लेयर काफ़ी मिसफील्डिंग कर रहे थे क्योंकि रेगुलर नहीं है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी थी। तो उन्होंने क्या करा कि थोड़ा कंट्रोल किया, और जो बेस्ट फील्डर थे वो बाउंड्री पे लगे और एक्स्ट्रा रनर्स पे कंट्रोल किया, वो धीरे 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 करते हुए दबाव उनकी तरफ गया और वही फेवर था। मैं सबसे बैटिंग करने आए और उस टाइम दरकार थी फास्ट खेलने की, उस समय आपने सबसे लंबा छक्का लगाया आज 100 मीटर का, इस ग्राउंड को पार किया, क्या ऐसा है, मतलब क्या स्ट्रेटजी के साथ आए थे, और आते ही वो छक्का लगाना फिर बैक टू बैक चौके मारने, आपकी 200-250 की स्ट्राइक रेट से आज आपने रन मारे, कैसा लगा उस समय आपको, क्या खेलना था, क्या प्रेशर था कि साथ साथ? देखिए, प्रेशर की बात तो नहीं थी, मैं एक्चुअली टॉप ऑर्डर बैट्समैन हूँ, बट आज जैसे कैप्टन की रिक्वायरमेंट थी, कुछ सीनियरों को हम चांस देंगे, आपका थोड़ा सा पीछे हम यूज़ करेंगे फिनिशिंग के रूप में, तो वही मैंने काम किया कि फिनिशिंग में आपको बोले कम मिलती है, आपके पास बोले कम रहती है, आपको रिस्क ज़्यादा लेना पड़ता है बॉल टू बॉल, और जो जोन में जो बोले आएगी उन्हें मैं हिट करूँगा, वही मैंने किया। वो जो
लेंथ पे अच्छी बॉल थी, वैसे ही मैंने बल्ला घुमाया। आपको पता है जिस हिसाब से आपने तोगड़ा जी के रन मारे तो छक्का फिर दो तीन चौके, और आपको पता है सबसे किफायती बॉलर तोगड़ा जी चल रहे थे उस समय, सबसे बेस्ट था, और आपके लिए स्पेशल उनको लगाया गया कि मुकेश अ वेरी इंपॉर्टेंट विकेट, तो उस समय क्या प्रेशर लेके आपने खेले कि इसको तो हिट करना ही, मुझे आते हिट करना, ऐसा कुछ सोच के आए थे? नहीं, मेरे दिमाग में ये नहीं था कि वो अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, वो अच्छा मतलब कंट्रोल कर रहे हैं, मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं था। मेरे लिए ये था कि टीम को रिक्वायरमेंट क्या है मेरे से रिक्वायरमेंट शायद उस टाइम पे टीम को ये थी कि ज्यादा से ज्यादा रन बने कम से कम बॉलों में, तो वही किया मैंने और वही हुआ, बाकी क्रिकेट दिन दिन की बात होती। चलो बेस्ट ऑफ लक और बहुत अच्छा आप खेले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। बाय बाय।